नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेज हैं उनका अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वर्गीकरण कर लिया था। आज हम प्रत्येक एक एक सेपरेट अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था के बारे में, प्री नेटल स्टेज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बिंदु रहने वाला है वह है प्री नेटल स्टेज अर्थात गर्भावस्था। विषय हमारा रहेगा गर्भावस्था, जिसको अपन कहते हैं प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज। गर्भावस्था विकास की सबसे प्रथम अवस्था, और ये जो अवस्था होती है ये आप सभी को पता है गर्भाधान से और जन्म तक इस अवस्था को माना जाता है। तो विषय गर्भावस्था प्री नेटल स्टेज, जिसका जो समय है वो है गर्भाधान से जन्म तक। मित्रों, इस अवस्था को प्राय तीन भागों में बांट लिया जाता है कि सबसे पहली जो अवस्था है उस अवस्था को कहा जाता है बीजावस्था। सबसे पहली अवस्था बीजावस्था, जिसे हम डिम्बावस्था के नाम से भी जानते हैं, डिम्बावस्था, जिसे हम कह सकते हैं ओबम स्टेज, ओबम स्टेज। जिस दिन मातृकोष और पितृकोष दोनों का समागम होता है उस दिन से यह जो हमारी जो गर्भावस्था है ये प्रारंभ होती है। और ये पहली जो इसकी अवस्था है, इस गर्भावस्था के अंतर्गत भी जो पहली स्टेज है बीजावस्था, जिसको हम डिम्बावस्था भी कहते हैं, ओबम स्टेज कहते हैं, इसका जो समय होता है मित्रों वह होता है गर्भाधान से और दो सप्ताह तक। गर्भाधान से दो सप्ताह का जो समय होता है वो कौन सी स्टेज का होता है, बीजावस्था या डिम्बावस्था का। इस अवस्था में होता क्या है कि जब गर्भाधान होता है उस समय जो बालक होता है उसकी आकृति एक अंडे की नुमा आकृति के समान होती है, और इस अंडे नुमा आकृति के चारों तरफ एक पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है योग। ये अंडेनों में आकृति के चारों तरफ एक पदार्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है मित्रों, योग कहा जाता है। और इसके मध्य में जो आकृति होती है भ्रूण की उसे कहा जाता है युक्ता, उसे कहा जाता है युक्ता, जिसे जायगोट भी अपन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं। यह जो स्थिति होती है, यह जो अवस्था होती है मात्र दो सप्ताह तक होती है। दो सप्ताह के बाद में यह जो योग है यह भी समाप्त हो जाता है और ये युक्ता जो आकृति है यह भी समाप्त हो जाती है। कितने दिन के अंदर, 15 दिन अर्थात दो सप्ताह के आसपास यह जो अवस्था है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बालक जो ये चारों तरफ जो पदार्थ है योग, इस पदार्थ को खाकर 15 दिन अपना आधार रखता है। योग नामक पदार्थ को खाकर बालक अपने 15 दिन का जो समय है उसको निकालता है और स्वतः ही ये 15 दिन बाद ये जो योग नामक पदार्थ है ये समाप्त हो जाता है। ये जो अंडे नुमा जो आकृति है ये भी समाप्त हो जाती है। जस्ट इसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था को कहा जाता है भ्रूणावस्था। दूसरी अवस्था को कहा जाता है भ्रूणावस्था, जिसका हम दूसरा नाम भी रख सकते हैं पिंडावस्था भी इसे कहा जाता है, पिंडा अवस्था। एम्ब्रोनिक स्टेज भी इसे हम कहते हैं, एम्ब्रोनिक स्टेज। इसका जो समय होता है वह होता है दो सप्ताह से दो माह तक। इसका समय होता है दो सप्ताह से दो माह तक, या फिर आठ सप्ताह आप इसको कह सकते हैं। ये जो दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, जैसे ही ये वाली जो आकृति समाप्त होती है 15 दिन के अंदर, ऐसे ही बालक कौन सी अवस्था में आ जाता है, दूसरी अवस्था में आ जाता है, जिसका नाम है भ्रूणावस्था, पिंडावस्था। मित्रों, इसका जो समय है दो सप्ताह से दो माह तक। सर्वाधिक जो बालक का जो विकास होता है वो बालक का इसी एज में होता है। सर्वाधिक जो बालक का जो विकास होता है अर्थात गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है, गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है सर्वाधिक, वो कौन सी अवस्था में होता है, भ्रूणावस्था में होता है। प्रायः भ्रूणावस्था को भी तीन भागों में विभाजित कर दिया जाता है।
सबसे पहला इसका जो भाग होता है उसे कहा जाता है एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। दूसरा भाग होता है इसका मीसोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक। और तीसरा जिसका भाग होता है एंडोमॉर्फिक। ध्यान रखें दूसरी अवस्था कौन सी, भ्रूण अवस्था। इस भ्रूण अवस्था को बताओ कितने भागों में बांटा हमने, तीन भागों में बांट दिया। पहला कौन सा है एक्टोमॉर्फिक, दूसरा कौन सा है मीसोमॉर्फिक और तीसरा कौन सा है बताओ एंडोमॉर्फिक। आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक्टोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक में क्या क्या होता है। देखिए जो एक्टोमॉर्फिक अवस्था है इसके अंतर्गत बालक के जो सतही अंग हैं, बालक के सतही अंग अर्थात सतह से मतलब उसके जो बाह्य अंग हैं जैसे उसके नाखून हुए, दांत हुए, त्वचा हुई, इनका विकास होता है। नाखून, दांत, त्वचा, इनका जो विकास होता है कौन सी अवस्था में होता है, एक्टोमॉर्फिक। और ये अवस्था किसके अंतर्गत आती है, भ्रूण अवस्था के अंतर्गत आती है। दूसरा जो इसी के अंतर्गत है, दूसरा है मीसोमॉर्फिक। और मीसोमॉर्फिक के अंतर्गत जो मांसपेशियाँ हैं, मांसपेशियों का जो विकास होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, मीसोमॉर्फिक में होता है। और तीसरा जो कौन सा है एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक के अंतर्गत जो शरीर के जो आंतरिक भाग हैं जैसे हृदय, मस्तिष्क आदि जो आंतरिक भाग है उसका जो विकास होता है वो किस में होता है, एंडोमॉर्फिक में। पहली अवस्था बीजावस्था जिसको हमने कहा डिम्बावस्था, ओवम स्टेज, गर्भाधान से लेकर दो सप्ताह, जिसमें योक नामक पदार्थ गर्भस्थ शिशु जिसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है, युक्ता या जायगोट जो आकृति है उसे कहा जाता है, 15 दिन के अंतर्गत यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरी अवस्था हमने देखी कौन सी, भ्रूणावस्था, पिंडावस्था। सर्वाधिक जो गर्भस्थ शिशु का जो विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, पिंडावस्था में होता है। इस भ्रूणावस्था को कितने भागों में हमने बांटा, तीन भागों में, एक्टोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत सतही अंगों का विकास होता है जैसे नाखून, दांत, त्वचा आदि जो बाहरी अंग हैं उनका विकास होता है। मीसोमॉर्फिक के अंतर्गत मांसपेशियों का जो हमारा तंत्रिका जो नर्वस सिस्टम है उसका विकास जो मीसोमॉर्फिक के अंतर्गत होता है, और जो एंडोमॉर्फिक है एंडोमॉर्फिक के अंतर्गत हृदय और मस्तिष्क का विकास होता है। दो अवस्थाओं के बाद में एक अंतिम अवस्था इसी जो गर्भावस्था के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तीसरी इसी अवस्था है जिसे कहा जाता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। क्या कहा जाता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरी जो इसकी स्टेज है वह है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। जिसे हम फेटल स्टेज कहते हैं, फेटल स्टेज। इसका जो समय होता है दो माह से लेकर और जन्म तक, दो माह से लेकर जन्म तक। ये जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था है इस अवस्था के अंतर्गत जब गर्भस्थ शिशु होता है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, ना ही चार माह के अंतराल में, चार माह तक उसे किसी प्रकार की सुगंध या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव भी उसे नहीं होता। चार माह बाद उसकी जो धड़कन है उसको भी सुना जा सकता है। गर्भस्थ शिशु इसका जो समय होता है, आपको पता है कि पूरा जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाए तब तक का समय इसी के अंतर्गत आता है। सामान्य रूप में हम देखें कि सामान्य रूप से जो गर्भस्थ शिशु है इसका जो समय होता है 270 से 280 दिन तक होता है, 270 से 280 दिन तक होता है, अर्थात 270 से 280 दिन एक सामान्य गर्भावस्था का समय होता है। अगर हम बात करें कि कम से कम कितने समय में अगर शिशु का जन्म हो जाए तो वह जीवित रह सकता है, तो ध्यान रखें 180 दिन कम से कम, मिनिमम 180 दिन और अधिकतम 330 दिन हो सकते हैं। ध्यान रखें गर्भस्थ जो गर्भावस्था है इसका जो समय है कितना है, 180 दिन तो मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 330 दिन अधिकतम हो सकते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं 40 सप्ताह 330 दिन, या फिर कम से कम कितने हैं 180 दिन, इतना समय गर्भकाल का होना ही चाहिए। सामान्य रूप में तो 270 से 280 होना चाहिए, लेकिन अगर कम से कम की बात करें तो 180 और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 330 दिन हो सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि गर्भस्थ जो शिशु होता है वो गर्भावस्था के अंतर्गत जो अनुक्रियाएँ करता है उसे कहा जाता है फेटल एक्टिविटीज। उसे क्या कहा जाता है, फेटल एक्टिविटीज,
फेटल एक्टिविटीज किसे कहा जाता है? गर्भस्थ गर्भावस्था के अंतर्गत जो शिशु आंतरिक जो क्रियाएं करता है, जो अनुक्रियाएं करता है, अपने हाथ पैरों को चलाता है, उस अनुक्रिया को, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? फेटल एक्टिविटीज कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी गर्भावस्था को हमने कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांट लिया। पहली बीज अवस्था, दूसरी भ्रूणावस्था और तीसरी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि जो दूसरी जो स्टेज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसे भ्रूणावस्था कहा जाता है। इस भ्रूणावस्था को तीन भागों में बांटा और हमने इसमें ये देखा कि बालक के कौन से अंग का विकास किस किस तरीके से होता है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत सामान्य रूप से गर्भावस्था के बारे में हम सामान्य रूप से चर्चा कर चुके हैं। इससे अगली क्लास में हम इससे नेक्स्ट स्टेज अर्थात शैशवावस्था की चर्चा हम करने वाले हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।